Please like and subscribe. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि तिवारी और स्वागत है आपका मेरे चैनल उड़ान जिंदगी की में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे पुदीने की चटनी और लहसुन की चटनी, जो कि इस गर्मी में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो पहले हम पुदीने की चटनी बनाएंगे। पुदीने की चटनी बनाने के लिए मैंने 5-6 कली लहसुन के, 4-5 हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी धनिया और एक टमाटर काटकर मिक्सर जार में डाला है। 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून चीनी डाली है और थोड़ी सी 1/2 टेबल स्पून जीरा डाला है। एक बार मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे पुदीना। पुदीने का डंठल हटाकर उसकी पत्तियां मैंने अलग कर ली थी और उसको अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है। फिर से पत्ती डालकर मिक्सर में हम इसको दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। तो दोस्तों, तैयार है हमारे पुदीने की चटनी, जो कि इस गर्मी में बहुत ही फ़ायदेमंद है और यह खाने का टेस्ट भी बढ़ाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब हम बनाएंगे लहसुन की चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लहसुन लिया है और लहसुन को मैंने छील लिया है और इसको धुल के साफ़ कर लिया है। अब हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कच्ची कैरी और हरी मिर्च। तो मैंने 4-5 हरी मिर्च डाली है, जो कि बहुत तीखी है, और 1 कच्ची कैरी डाली है जिसका मैंने छिलका नहीं हटाया है। और मैंने इसमें 1 पिंच हींग डाली है और 1/2 टेबल स्पून से कम सेंधा नमक डाला है और 1/2 टेबल स्पून सादा नमक डाला है। 1/4 टेबल स्पून जीरा डाला है। हाफ टेबल स्पून सौंफ और 1/2 टेबल स्पून मंगरेल डाला है। फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो तैयार है हमारी लहसुन की चटनी। तो दोस्तों, बनाइए, खाइए और इस लॉकडाउन का पूरा मज़ा उठाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।